हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, सभी नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि नीट परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग की जा रही थी, नीट 2021 को कैंसिल किया जाना था, लेकिन सरकार ने एक और ही नया फैसला ले लिया है, नीट को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है और अब केवल 12वीं के अंकों के आधार पर आपको मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। जी हाँ, ये लेटेस्ट अपडेट है, बहुत ही चौंका देने वाली खबर है। तो पूरी न्यूज़ आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जैसे तमिलनाडु सरकार ने नीट की पात्रता को ख़त्म कर दिया है और पिछली रात आपको बता दूं, कल एक और छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, नीट की एक और छात्रा ने 17 वर्षीय खुदकुशी कर ली है। तो इन सब मामलों को देखते हुए आफ्टर तमिलनाडु नाउ डिमांड टू स्क्रैप नीट इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में भी पेट्रोल इन इज लेटर से डेट लाइक तमिलनाडु, महाराष्ट्र टू शुड कंसीडर ऑफरिंग एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज बेस्ड ऑन क्लास 12 स्कोर। तमिलनाडु की तरह महाराष्ट्र भी है 12th के मार्क्स के आधार पर ही नीट में एडमिशन देगा। आफ्टर द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ रिलीज द रिपोर्ट हाईलाइटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रलाइज मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट। अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र हैव ऑल्सो रेज्ड वॉइस टू स्क्रैप नीट। प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी हैज़ रिटन टू लेटर अ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे आस्किंग हिम टू स्क्रैप नीट फॉर द स्टेट बेस्ड स्टूडेंट्स एज वेल। दोस्तों, तमिलनाडु की तरह अब महाराष्ट्र ने भी ये कहा है कि मैं यहाँ भी नीट की परीक्षा नहीं कराई जाएगी, केवल 12वीं के आधार पर ही छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि ये जो कोचिंग्स वगैरह हैं लूट मचाए हैं और बच्चे जब महंगी महंगी कोचिंग करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है तो सुसाइड कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और नीट की जो परीक्षा है वो भी कायदे से नहीं हो पा रही है, उसमें भी धांधलेबाजी हो रही है, यानी अगर जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, साथ में पैसे भी कोचिंग में भी लगा रहा है, तो इन सब बातों से बच्चों के मानसिक तनाव हो रहा है, गहरा असर पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा के लिए ख़त्म करके 12वीं की परीक्षा के आधार पर ही केवल एडमिशन देना चाहिए। और तमिलनाडु असेंबली पॉइंटेड आउट द नीट फेवर्ड द रिच एंड एलाइड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट द वीकर सेक्शन। इससे जो कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो अमीर वर्ग के छात्र हैं वो तो डोनेशन से हर तरह से डॉक्टरी कर लेते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है वो मार खा जाता है। तो इस वजह से ये रूल अपनाया जा रहा है। अब धीरे धीरे ये हर स्टेट के जो सरकार है वो यही रूल अपनाने वाली है। तो आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि विद दोज हु आर रूरल एंड अर्बन पुअर फैमिलीज़ आर एट डिसएडवांटेज। ये क्लियर हो गया है इस बार के नीट के एग्ज़ाम से कि जो कोचिंग्स हैं और स्टूडेंट्स हैं ये वेल्दी फैमिलीज़ जो होती हैं आर द वंस हु टेंड टू क्लियर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, वाइल दोज फ्रॉम रूरल एंड अर्बन पुअर फैमिलीज़ आर एट डिसएडवांटेज। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये सरकार का फैसला कहाँ तक सही है, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।